हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस सो गाइस कल हमने बात की थी 27 सितंबर को जो प्रोसीडिंग चल रही है वैलिडिटी ऑफ ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन से रिलेटेड क्या थी अभी कल 28 सितंबर को वो कंटिन्यू हुई थी तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कल की प्रोसीडिंग में क्या हुआ चीज़ें कहाँ तक क्लियर हुई या जो भी बातें हुई इस वीडियो में हम आज के डिस्कस करेंगे इन डिटेल गाइज ठीक है तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड अगर चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है तो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन वैलिडिटी सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशन बेंच रिजर्व्स जजमेंट अब रिजर्व जजमेंट क्या है रिजर्व जजमेंट मतलब ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने अभी तक कोई डिसीजन नहीं दिया है एक डिसीजन पे आने से पहले वो अपना रिजर्व जजमेंट कर रहे हैं उन्हें और इस मैटर के बारे में जानना है जानने के बाद ही वो कोई डिसीजन दे सकते हैं सो सुप्रीम कोर्ट टू कंटिन्यू हियरिंग द चैलेंज अगेंस्ट द एआईबी ये डेट टू ट्वेंटी एट सेप्टेम्बर का है ओके okay? ये आर्टिकल द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच कंप्राइजेस वही सारे लोग थे जस्टिस संजय किशन कॉल संजीव खन्ना एएस ओका विक्रमनाथ एंड जेके माहेश्वरी सो गाइज ये सारा डिस्कशन बैक इन 2008 एक मैटर से स्टार्ट हुआ था ठीक है मध्य प्रदेश ने डिसीजन ऑफ द मध्य प्रदेश हाई कोर्ट एक केस था जो डील करता था ग्रांट ऑफ एफिलिएशन एंड रिकॉग्नाइजेशन टू अ लॉ कॉलेज एक लॉ कॉलेज के रिकॉग्नाइजेशन से रिलेटेड था ठीक है व्हेन द मैटर ट्रेवल टू द एपेक्स कोर्ट इन अपील जब वो मैटर अपील के लिए गया एपेक्स कोर्ट में तो एक थ्री जज बेंच जो कि हेडेड थी चीफ जस्टिस टी एस ठाकुर से जिन्होंने रेफर किया था इसे एक कॉन्स्टिट्यूशन बेंच को जो फाइव जजेस की थी ठीक है और जो फाइनल डिटर्मिनेशन था क्वेश्चंस ऑफ कंसिडरेबल इम्पॉर्टेंस अफेक्टिंग द लीगल प्रोफेशन इन जनरल ठीक है इस पे सवाल उठा था लीगल प्रोफेशन एक जनरल में इस चीज़ पे इसकी इम्पॉर्टेंस पे गई सवाल उठा था दैट वर रेज बिफोर द एपेक्स कोर्ट यही क्वेश्चन रेज हुआ था लीगल प्रोफेशन इन जनरल के बारे में देन इसके बाद इट वॉज ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ दिस पटिशन पेंडेंसी ऑफ दिस पटिशन का मतलब ये है कि अभी इस पटिशन अनसेटल था अनडिसाइटेड था ठीक है दैट द बार काउंसिल ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ सीनियर एडवोकेट एक सीनियर एडवोकेट हैं गोपाल सुब्रमण्यम ठीक है उन्होंने डिसाइड किया टू कंडक्ट ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो कि फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुई थी 2010 में ठीक है आफ्टर मोर देन सिक्स साल सिंस द रेफरल एंड मोर देन फोर्टीन ईयर्स सिंस द हाई कोर्ट रूलिंग द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच अब फाइनली इस कॉन्ट्रोवर्सी को रेस्ट देने वाली है सो मूविंग फर्दर गाइड्स इस एक वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस नहीं कर सकते क्योंकि कल बहुत सारी बातें हुई हैं पर जो बातें रेलिवेंट है आपके जानने के लिए ज़रूरी हैं मैं आपको वो बता देती हूँ ठीक है तो यहाँ कुछ कॉन्वर्सेशन है काउंसिल और जो जजेस की बेंच बैठी थी उनके बीच तो एक काउंसिल बोलता है कि यू हैव टेकन मनी आपने हमसे पैसा लिया फॉर इनरोलमेंट एज एन एडवोकेट एंड अब आप कह रहे हो कि आप प्रैक्टिस नहीं कर सकते हो तो उसमें एक जज ने बताया जस्टिस कॉल ने कि आप ये मुझसे कह रहे हो कि हम आपको अलाउ कर दे प्रैक्टिस आप अगर एग्जाम नहीं क्लियर कर पा रहे हो तब भी ठीक है हाउ विल यू क्लियर द प्री इनरोलमेंट एग्जाम इधर तब आप खुद बताइए कि आप कैसे अपना प्री इनरोलमेंट एग्जाम क्लियर करेंगे इस पर जस्टिस कॉल ने आंसर देते हुए ये बोला है ओके फर्दर जस्टिस कॉल समराइज करते हुए ये बोलते हैं कि जो क्वेश्चन है कि आफ्टर द स्टेट पावर स्टेट की जो पावर है स्टैब्लिश हुई थी तो क्या बार काउंसिल ऑफ इंडिया की पावर उससे ले ली गई थी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं बोथ प्री और पोस्ट इनरोलमेंट एग्जाम से और हम कोशिश कर रहे हैं वी आर ट्राइंग टू ऑल्सो फाइन ट्यून हम कोशिश कर रहे हैं कि हम पोस्ट इनरोलमेंट एग्ज़ाम जो कि एग्जिस्ट करती है टुडे उसे मिनिमाइज़ करें उसकी प्रॉब्लम्स को मिनिमाइज़ किया जाए एंड आफ्टर दिस द सेकेंड काउंसिल अपनी बात रखते हैं और बोलते हैं माई क्लाइंट इज़ अ लॉ ग्रेजुएट मेरा एक क्लाइंट है जो एक लॉ ग्रेजुएट है तो जस्टिस कॉल बोलते हैं कि आप पॉइंट पर आइए तो काउंसिल बोलते हैं कि यही मेरा पॉइंट है कि मेरा क्लाइंट ही इज़ नॉट एबल टू प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा है और ये वो कह के कंक्लूड कर देते हैं तो इस पर जस्टिस कॉल क्या कहते हैं ये देखते हैं जस्टिस कॉल उनसे पूछते हैं कि क्या आप प्रैक्टिस करने जाओगे डिस्ट्रिक्ट बट लॉयर्स आर नीडेड देर वहाँ पर भी लॉयर्स की नीड है देर आर वेरिंग डिग्री ऑफ प्रोफिशियंसी हर तरह की प्रोफिशियंसी होती है ठीक है नॉट से दैट आपको सिक्सटी मिला है तो आप वहाँ प्रैक्टिस करोगे और आपको सेवेंटी मिला है तो आप यहाँ प्रैक्टिस करोगे एक बेसिक बेंचमार्क होना जरूरी है इसके बाद आ, एक सेट करके हैं उन्होंने बोला कि इफ द जॉब ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया बार काउंसिल की जॉब है कि वो लीगल एजुकेशन को अच्छे से कैरी आउट करे तो इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का क्वेश्चन ही नहीं रेज़ होगा कभी तो इस पे जस्टिस कॉल कहते हैं कि आपके यहाँ सेवेंटीन हंड्रेड लॉ स्कूल्स हैं क्या आप चाहते हैं कि उनमें से हज़ार वन थाउजेंड ऑफ़ लॉ स्कूल को शट डाउन कर दिया जाए फर्दर दन नेक्स्ट काउंसिल कोर्ट की जो बी सी आई इनरोलमेंट का अमाउंट लेती है वो बहुत ही शॉकिंग अमाउंट है ठीक है तो इस पर जस्टिस कॉल बोलते हैं कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है हम नहीं कह सकते कि आप थ्री थाउजेंड चार्ज करो इंस्टेड ऑफ चार्जिंग रुपीज थर्टी फाइव हंड्रेड ठीक है इस पर जस्टिस खन्ना हंसते हुए बोलते हैं कि आप जो सजेस्ट कर रहे हैं बी सी आई बहुत ही हैप्पी होगी इसे इम्प्लीमेंट करने के लिए ठीक है ये सरकाजम आई थिंक ये सरकाजम था एंड फिर काउंसिल बोलती है कि येस दैट विल प्रिवेंट देम फ्रॉम वेस्टिंग आर टाइम हमारा टाइम इससे बचेगा जस्टिस कॉल कहते हैं नैवर द लेस इट इज़ अ सजेशन ये एक सजेशन है जो डिसाइड वही करे वी हैव टू लेट देम कंसिडर ठीक है बी इस चीज़ को कंसिडर कर सकती है ये बी के ऊपर है इसके बाद एक काउंसिल ने बोला कि काउंसिल ऑल्सो इंडोर्स कंडक्टिंग द एग्ज़ाम इन द फिफ्थ ईयर एक काउंसिल ने बोला कि एग्ज़ाम फिफ्थ ईयर में भी कंडक्ट हो सकता है तो इस पर जस्टिस कौन ने बोला दैट इज़ फॉर द बी सी आई टू डिसाइड ये बी सी आई बार काउंसिल ऑफ इंडिया डिसाइड करेगी वॉट यू आर गिविंग इज अ सजेशन ये एक सजेशन है उन्हें कंसिडर किया दे किया जाना चाहिए वो कंसिडर करेंगे कौन बार काउंसिल ऑफ इंडिया सो जस्टिस कॉल ये भी बोलते हैं कि नाउ लॉ ग्रेजुएट्स आर इंटाइटल्ड टू टेक जॉब्स इन लॉ फॉर्म्स लॉ ग्रेजुएट्स इंटाइटल्ड हैं लॉ फॉर्म्स में भी काम करने के लिए एज जॉइन एज लॉ क्लर्कस भी बट अंडर द प्री इनरोमेंट फ्रेमवर्क ये कैसे काम करेगा तो विश्वनाथन है वो बोलते हैं स्टूडेंट्स विल बी प्लेस्ड वाइल इन कॉलेज एज दे नाउ और स्टूडेंट्स प्लेस होंगे कॉलेज प्लेसमेंट के थ्रू विद जस्टिस कॉल कहते हैं वेयर देयर बी इमोल्यूमेंट्स बिफोर इनरोलमेंट ठीक है फिर जस्टिस खाना कहते हैं ऑल्सो द स्टूडेंट गेटिंग प्लेस फ्रॉम टॉप लॉ स्कूल जो स्टूडेंट्स टॉप लॉ स्कूल से पढ़ते हैं आर टेन परसेंट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ लॉ ग्रेजुएट्स ये चीज़ तो एकदम सही बोली है इन्होंने ये हम सभी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं और अग्री करते हैं ठीक है आप कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस पॉइंट के बारे में ठीक है तो ये सभी सारी बातें हो रही है गा बहुत सारे पॉइंट्स हैं तो मैं जो ऐसा पॉइंट है जो आप रिलेट कर सकते हो या इंपॉर्टेंट है मैं आपको वही बता रही हूँ ठीक है और आर्टिकल बहुत लंबा है और भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपसे डिस्कस करती हूं आगे फादर विश्वनाथन वी आर ट्राइंग टू ट्रेस द पावर ऑफ द बी सी आई टू फ्रेम अ रूल फॉर टेकिंग प्री एनरोलमेंट एग्जाम Uh, बोलते हैं कि हम ट्राई कर रहे हैं ट्रेस करने के लिए जो तो पावर है बीसीआई को वो कैसे रूल फ्रेम कर रही हैं प्री इनरोमेंट एग्जाम के लिए दिस पावर वुड नेसेसरली इंक्लूड करेगा सारी एंसिलरी एंड इंसिडेंटल पावर्स भी सो लास्टली एमिकस क्यूरे मिस्टर विश्वनाथन कंटिन्यू करेंगे आगे का जो सबमिशन है अपना ठीक है और आज के लिए बस इतना ही था तो ट्वेंटी एट को शाम छः बजे आप जैसे कि टाइम देख पा रहे हो इतने सारे डिस्कशन हुए गाइस अभी भी कुछ डिसाइडेड नहीं है इसीलिए मैंने कैप्शन में बताया ये एक रिज़र्व जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि अभी वो अपना रिजर्व जजमेंट दे रहे हैं अभी उन्हें बहुत सारी बात और जाननी है बहुत सारी बात और कंसिडर करनी है फिर ही वो अपना फाइनल डिसीजन दे पाएंगे लेट्स सी आगे क्या होता है बहुत सारी बातें अगर आपको ये पूरा आर्टिकल पढ़ना है तो आप नेट से देख सकते हो यूट्यूब पर भी आ, बहुत सारी ऐसी रिकॉर्डिंग्स हैं जो कि हैं ठीक है आप वो भी देख सकते हो कि कोर्ट में क्या क्या बातें हुई हैं उसकी रिकॉर्डिंग्स यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं अभी देखिए क्या होता है आप अपना कमेंट सेक्शन में ओपिनियन बताइएगा कि आप क्या सोच रहे हो या आप क्या चाहते हो लेट्स डिस्कस ठीक है एंड आगे जो भी होता है देखते हैं अभी कब होगा एग्ज़ाम क्या होगा इसके बारे में तो कोई डिस्कशन ही नहीं है अभी एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए ये है अभी का पॉइंट ठीक है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही अगर वीडियो अच्छा लगा हो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा गाइज एंड जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय